क्या सचिन तेंदुलकर की वजह से युवराज सिंह नहीं बन पाए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान? खुद युवराज सिंह ने किया है बड़ा खुलासा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। युवराज सिंह भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स में से एक है। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी कई अहम पारियां खेली हैं। कुछ मौके तो ऐसे आए जब युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम को अपने दम पर कई मुश्किल मैचेस जितवाए। एक समय ऐसा था जब युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी का एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। इसी बीच अब युवराज सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि कैसे सचिन तेंदुलकर के चलते वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं बन पाए। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए रिपोर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं। युवराज सिंह ने हाल ही में संजय मांजरेकर के एक शो में बताया कि उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी आखिर क्यों नहीं मिली। युवराज सिंह ने बताया कि ग्रेग चैपल विवाद में सचिन तेंदुलकर का साथ देने के कारण उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि बीसीसीआई के कुछ आला अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं थी और इसके चलते उन्हें उप कप्तानी भी नहीं मिल पाई। युवराज सिंह ने कहा कि मैं कप्तान बनना चाहता था, लेकिन इसके बाद ग्रेग चैपल और सचिन तेंदुलकर के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में मैंने सचिन तेंदुलकर का साथ दिया और यही बात बीसीसीआई के आला अधिकारियों को पसंद नहीं आई। युवराज ने बताया कि किसी को भी कप्तान बनाने के लिए वे तैयार थे, सिर्फ मुझे नहीं। युवराज ने आगे ये भी बताया कि 2007 इंग्लैंड दौरे पर वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर खिलाड़ी भी टीम में मौजूद नहीं थे। उस दौरान राहुल द्रविड़ टीम के कप्तान थे और मैं उप कप्तान था, और वनडे टीम का उप कप्तान होने के नाते मुझे ये लगा कि अब मैं कप्तान बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो अचानक उप कप्तानी से भी हटा दिया गया। और 2007 T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को अचानक टीम का कप्तान बनाया गया था। युवराज सिंह ने ये भी कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि वो फैसला उस वक्त मेरे खिलाफ गया। आज भी अगर ऐसे हालात होते तो मैं अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ी के साथ खड़ा होता। खैर, युवराज सिंह भले ही टीम इंडिया की कप्तान नहीं बन पाए हों, लेकिन 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने टीम इंडिया को ये खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। खैर, युवराज सिंह के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।